नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। भारत चीन तनाव को देखते हुए भारत में एक बार फिर से राफेल विमान की चर्चा शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को फ्रांस की अपनी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ले से टेलीविजन पर बात की। इस दौरान पार्ले ने कहा कि भारत को राफेल विमान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपलब्ध होंगे और महामारी का इसकी आपूर्ति पर असर नहीं पड़ेगा। हम आपको बता दें कि भारत में लगभग 58,000 करोड़ रुपये से 36 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीद रहा है। राफेल लड़ाकू विमान कई तरह के अस्त्र ले जाने में सक्षम है। इसके अस्त्र भंडार में यूरोपीय मिसाइल का हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो हवा से हवा में लड़ाई को एक नया रूप देने के लिए विकसित की गई है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मौसम में बदलाव का असर 5 जून तक रहेगा। 6 जून से झारखंड के जमशेदपुर शहर समेत आसपास के इलाकों में मौसम में सुधार होने की संभावना है। उधर बीते दिन कोल्हान पलामू प्रमंडल में जमकर बारिश हुई और इस दौरान मेघ गरज के साथ वज्रपात भी हुआ। रातू में हुए वज्रपात से 6 मवेशी की मौत हो गई तथा चान्हो में 1 युवक की मौत वज्रपात से हो गई। स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि खतरा खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में स्कूल कॉलेज और शिक्षक संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे एक स्थान पर भीड़ जमा होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल हो जाएगा। झारखंड में आज 53 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो रामगढ़ से 19, पूर्वी सिंहभूम से 8, धनबाद से 9, रांची से 6, हजारीबाग से 5, दुमका से 2, सरायकेला 1, गढ़वा 1, पलामू 1, बोकारो से 1 है। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 675 से बढ़कर 728 हो गई, जबकि 320 लोग स्वस्थ हुए और 5 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 207,183 है, जबकि 1,285 लोग स्वस्थ हुए, 329 की मृत्यु हो गई। राज्य में एक्टिव केस कहाँ कितना, रांची 23, बोकारो 8, हजारीबाग 40, धनबाद 60, गिरिडीह 9, सिमडेगा 14, कोडरमा 15, गढ़वा 14, पलामू 3, पूर्वी सिंहभूम 116, लातेहार 3, लोहरदगा 4, रामगढ़ 39, पश्चिमी सिंहभूम 13, गुमला 22, सरायकेला 5, पाकुड़ 5, खूंटी 5, साहेबगंज 3, दुमका 2 है। झारखंड में शराब की दुकानें खुलेंगे रात्रि 9 बजे तक। झारखंड में शराब की दुकानें अब सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगी। इस संबंध में उत्पाद सचिव ने निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की व्यवस्था है। सरकार द्वारा लॉकडाउन 5.0 में दी गई छूट के तहत अब शराब की दुकानों को नई व्यवस्थित के साथ 9 बजे सुबह से रात्रि 9 बजे तक खोलने का फैसला लिया गया। 9वीं कक्षा परीक्षा में 97% विद्यार्थी पास। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की परीक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कुल 97% विद्यार्थी ने परीक्षा पास की है। 2 जून दोपहर में शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी किया। सभी छात्र छात्राएं अपना परिणाम www.jack.jharkhand.gov.in पर देख सकते हैं। गढ़वा जिला के कांडी प्रखंड के कांडी बाजार से तालाब के पास मंगलवार की सुबह 7 बजे ग्रामीणों ने 2 जंगली हिरण को घायल देखकर पकड़ा। दोनों हिरण कुत्ता काटने से जख्मी थे। कुत्ता के झुंड देखकर ग्रामीणों ने हिरण को बचाया और प्रशासन को सौंप दिया। केंद्र ने राज्य को भगवान भरोसे छोड़ा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को पूरी तरह से भगवान भरोसे छोड़ दिया है, अब सारी चीज़ें राज्यों को तय करनी है। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की रियायतों को लेकर राज्य सरकार के स्तर से लिए गए फैसलों पर स्थिति स्पष्ट की और कहा कि राज्य में धार्मिक शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। शिक्षा मंत्री बोले, बच्चों की पढ़ाई को लेकर पिछले सरकार की नीयत ठीक नहीं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पुरानी सरकार को पढ़ाई की नीयत ही नहीं थी, बच्चे जितने परेशान हो सकते थे पिछली सरकार वही काम करके गई है। उन्होंने कहा कि वे राजनीति करने नहीं बल्कि शिक्षा की स्थिति को बेहतर करने आए हैं। जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले रिम्स चिकित्सक किया सरेंडर। रिम्स में जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले सीनियर डॉक्टर ने न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार की अदालत में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने चिकित्सक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 28 मई को आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास का मामला बरियातू थाना में दर्ज कराई गई थी। प्रवासी मजदूर को रोजगार के लिए डोर टू डोर जाएगी सरकार। प्रवासी मजदूरों को रोजगार के लिए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार खुद लोगों के घरों तक रोजगार देने के लिए पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि हमारी योजना है कि कर्मी मजदूरों के घर में जाके और उनका जॉब कार्ड खोले।
इस पर काम भी हो रहा है। पंचायत समिति के लोग भी लोगों के घर तक जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में नामांकन शुरू। रांची में विद्यालयों को गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए खोलने का निर्देश जारी कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। विद्यालय को लेकर JCERT द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन करते हुए विद्यालय का संचालन करने को कहा गया है तथा पुस्तक वितरण नामांकन प्रक्रिया करने का निर्देश दिया गया है। त्रिपुरा से 1288 श्रमिक पहुंचे लोहरदगा। प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में त्रिपुरा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1288 प्रवासी मजदूर लोहरदगा स्टेशन पहुंचे। सभी का मेडिकल जांच के बाद उन्हें वाहनों से गृह जिला तक रवाना किया गया। पथलगड़ी समर्थक लौटे मुख्य धारा में। पथलगड़ी समर्थक रह चुके 100 लोगों ने मुख्य धारा में वापस लौट आए। अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड व मतदान पहचान पत्र वापस लेने के लिए ग्राम सभा द्वारा आवेदन लिखकर ये लोग BDO के पास प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और पत्र सौंपा। उन्होंने मुख्य धारा में जुड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए सरकारी योजनाओं का बहिष्कार पर गलती करने के लिए खेद जताया। रामगढ़ में सैलून खोलने की इजाज़त के लिए नाई संघ ने CM से की अपील। अनलॉक 1 को लेकर मिले छूट में सैलून भी खोलने की बात को लेकर नाई समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस पर जल्द ध्यान देने की अपील की है। नाई समाज का कार्य बंद होने से आर्थिक तंगी के दौरान गुजर रहे हैं। ऐसे में अपनी जीविकोपार्जन के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। रिम्स सभा प्रदर्शन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेगा। रिम्स में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर सभा व प्रदर्शन करने वालों पर रिम्स प्रबंधक कानूनी कार्रवाई करेंगे। रिम्स प्रबंधन का कहना है कि विगत 1 माह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर विरोध प्रदर्शन किया गया है, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा, लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। गढ़वा स्वास्थ्य विभाग में नाम बदलकर नौकरी कर रहे पति पर पत्नी ने लगाया आरोप। बिहार के रहने वाले नगर नौसा थाना के निवासी के रूप में नाम बदलकर गढ़वा जिला के चिनिया अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लैब टेक्नीशियन के पद पर फर्जी तरीके से नौकरी करने का मामला प्रकाश में आया है। यह आरोप खुद उसकी पत्नी ने गढ़वा उपायुक्त से आवेदन देकर लगाया है। हेलमेट व मास्क नहीं तो कटेगा चालान। संक्रमण काल को देखते हुए बनाए गए नियमों का पालन नहीं करने पर जिला रोड सेफ्टी ने डबल सवारी वाले बाइक चालकों का चालान काटना शुरू किया है। इस संबंध में PIU के बिजनेस एनालिस्ट ने बताया कि बिना हेलमेट और मास्क नहीं होने पर चालान काटा जाएगा। JPSC ने 326 अभ्यर्थियों की अनुशंसा सौंपा। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने 6ठी सिविल सेवा संयुक्त परीक्षा में चयनित 326 उम्मीदवारों की अनुशंसा 1 जून 2020 को कार्मिक विभाग के पास भेज दिया है। 6ठी सिविल सेवा परीक्षा 326 पदों के लिए ली गई थी। केरल में फंसी झारखंड की 1500 छात्राएं मांगी सहायता। केरल के कोची में झारखंड की 1500 युवतियाँ और छात्राएं फंसी हुई है। उन्हें गारमेंट कंपनी के हॉस्टल से निकाल दिया गया है। सभी लड़कियां को कौशल विकास प्लेसमेंट के तहत केरल भेजी गई थी। उन्हें खाने पीने और अन्य सामग्री की कमी हो गई है, इसलिए वे झारखंड लौटना चाहते हैं। रांची के बाजारों में लौटा रौनक। लॉकडाउन के कारण करीब 2 माह बाद रांची के बाजार की रौनक दोबारा खुलने लगी है। हालांकि सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भूल गए हैं। मनरेगा में 1,13,000 मजदूरों को मिला काम। मनरेगा में प्रवासी मजदूरों को काम मिलना शुरू हो गया है। राज्य में अब तक 75,000 परिवारों के 1,13,000 प्रवासी मजदूरों का नया जॉब कार्ड बनाया गया। ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने जिला के अधिकारियों को अभियान चलाकर जॉब कार्ड खोलने का निर्देश दिया है। झारखंड में कभी भी हो सकता है टिड्डी दल का हमला। झारखंड में टिड्डी दल के हमले की आशंका को देखते हुए जिला कृषि विभाग ने सभी प्रखंडों के किसानों को अलर्ट कर दिया है। हालांकि टिड्डी दल कब तक हमला पहुंचेगा यह स्पष्ट नहीं हुआ है। कृषि विभाग ने इसे लेकर प्रखंड स्तर पर टिड्डी नियंत्रण दल का गठन किया है। मिड सेमेस्टर के नंबर के आधार पर विद्यार्थी अगले सेमेस्टर में प्रमोट। रांची विश्वविद्यालय के UG और PG के मिड सेमेस्टर के नंबर के आधार पर विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में परीक्षा से संबंधित कई अन्य फैसले भी लिए गए। बैठक में रांची VV के कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडे व अन्य मौजूद थे। धन्यवाद।
यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।